और ये आपका और ये मेरा प्राइवेट कुर्सी है बेटा प्लास्टिक की। महाराज की जय जयकार हो। अरे जय जयकार हो। जार हो बखार हो। ए भगवान लागले बजो खोछो भंगी ले हमरा साथ है। हेलो। अरे आ ए खोछा तुम किसको कहता है रे समझते नहीं छो खोछो केकरा ये को कहीं का हम बैठिए दरबार में कुर्सी लग गया तो बिजली। अरे सभी चीज तो ठीक है आज मुझे दरबार में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं। दाएं पलटू बाग बोला वो सत्संग करा लियो। अरे हर बच्चा अरे कितना बदबू आ रहा है। तेंदुरे गंदा हवा छोड़ता है। बताओ कई दिन से तुम पैखाना नहीं गया। अरे ये पूछो कि किसलिए दिल नहीं लग रहा है आपको क्यों नहीं दिल लग रहा है। यहाँ से तुम चले जाओ महल और महल से महारानी को बुला के लेकर आओ। आज महारानी के बगैर मुझे दिल नहीं लग रहा है। ओ तो आप राजमाता के बिना उदास हैं। हाँ क्यों नहीं महाराज चल करके दरबार में राज सिंहासन पर बैठ जाइए। कौन आपके लिए नौड़ी गरम गरम चावना कर लाएगी तब तक इस राज की राजमाता जी से हम मिलेंगे। क्यों नहीं तो मैं चलूं। जी महाराज वो ले ना जाओ। अच्छी बात है। अभी अभी आप सबने सुना अपना सनी बैठी रही है। ए भगवान ठंडी ज्यादे छे हम रही ना बड़का गो घूर लगा दो बड़का गो हम वनिन ताप बा उतरबे त तोरा इना तापल नहीं है जब। अभी अभी आप सबने सुना हमारे महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो सबसे पहले इस राज की राजमाता जी को महल से बुला के दरबार में लाना है क्योंकि महारानी के बगैर हम बिल्कुल उदास है। आइए सबसे पहले मिलते इस राज की राजमाता जी से। और हित लिया बड़ी आए हैं आज मुझे किसी ने बुलाए हैं। महाराज जी दरबार में आपको बुलाए हैं। क्या स्वामी जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी बोले लखो हप हप ना हमू कही दलियो स्वामी जी स्वामी तो मेरा हुआ ना हमरो नहीं है न होले लेकिन तुम्हारा तो महाराज है। अब हम हमरा लसी एक धरी लीजिए। हां जे नहीं अखनी हम बड़का बाबू हम स्वामी जी कहलियो हमरो छक सुनाओ जी बाकी महारानी के न छिए स्वामी जी यो बरगा हमरा अल्लाह से अंधा ले छी। चल चलिए जल्दी से जल्दी मिलते दरबार में। चलिए महामंत्री ऑलरेडी आई 1 2 3 सारे आ
चरण कमलों में सादर चंडी प्रणाम। किस लिए मुझे बुलाए हैं स्वामी जी, कहिए सारा बयान। महारानी, हाय स्वामी जी, मैंने जो तुम्हें भल से सिंह दरबार तक बुलाए हो महारानी, आज बुलाने का एक कारण है। क्या कारण है स्वामी जी? हे महारानी, हाँ स्वामी, तुम्हें तो पता है कि इस महल में कोई चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ एक पुत्र की कमी है। हे महारानी, हाँ स्वामी, एक पुत्र के लिए जब भी मैं अपने ऊंचे सिंहासन पर से खड़े होकर इस उत्तमपुर के राज में घूमने के लिए निकलता हूं, तो यहां के प्रजागणों की मुखार बिंदु से मुझे एक ही शब्द सुनने के लिए मिलता है कि वो देखो राजा उतार पाल सिंह ने पुत्र जा रहा है। हे महारानी, हाँ सो, दुनिया में मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, और कमी है तो सिर्फ पुत्र की कमी है। हाँ महारानी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी जी, ये तो भगवान का लीला है, भगवान का मर्जी है, भगवान की मर्जी एक पत्ता नहीं ताई स्वामी जी। हाँ महारानी, देखती हूँ स्वामी जी किसी माँ बहन की गोद में बेटा, देखती हूँ जी करता है उनके गोद से बेटा छिड़के मैं अपना गोद में ले। नहीं महारानी, नहीं, लेकिन मैं क्या करूं स्वामी, यदि इस वक्त किसी माँ बहनों की गोद से पुत्र लेकर आती हो, अरे तुम तो पुत्रवान कहलाएगी, लेकिन वो माँ बहन तुम्हारे जैसे निपुत्र कहलाएगी। इसलिए राजाओं का कर्तव्य नहीं होता है कि किसी माता और बहनों के दिल पर ठेस पहुंचा जाए। आहे तुहारा से आ छोटी है छोटी के कहने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी। क्या कहने के लिए चाहती हूँ महारानी इस क्षण में? यही कहने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी, इस महल में तीसरापन से अब चौथापन बीतने जा रही है। हाँ महारानी, अब ऐसा लगता है कि मैं इस महल में पुत्रवती कभी नहीं कहलाऊंगी। हे महारानी, ये सब ईश्वर की खेती है, किसी को पुत्र देना तो किसी को निपुत्र रखना, ये राम लल्ला की कहानी है। हे स्वामी, इसलिए आज मैं आपसे कह रही हूँ क्या महारानी, कि आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं महारानी, नहीं है, इसे मैं कदापि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन स्वामी जी, आप शादी करने से क्यों बार बार इनकार जा रही है? इसलिए मैं इनकार जा रहा हूँ, मान लो महारानी इस महल में मैं दूसरा शादी करके लेकर आऊंगा, किसी प्रकार की तुम्हें कठिनाइयां देंगे महारानी ने, तो क्या वह दुख मुझसे बर्दाश्त होगा महारानी? इसलिए मैं इनकार हो रहा हूँ। और महारानी, हाँ सो, अरे तुम कह रही हो तो मैं सबसे पहले बिजली से बातें करता हूं। अरे बिजली, बिजली
हे सोमी खुश रहो।